हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। हमारे बेबी किचन एंड हेल्थ टिप्स चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। और मैं आशा रानी आज आपके लिए बहुत ही जबरदस्त टॉपिक लेकर आई हूँ। आज हम लेकर आए हैं शाही मशरूम और पनीर की सब्जी, जो बहुत ही लाजवाब होती है, बहुत ही स्वादिष्ट होती है और बहुत ही आसानी से बन जाती है घर पर, और इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता। और शाही मशरूम की सब्जी एक ऐसे तरीके से बनाते हैं जो आपने शायद ऐसे नहीं बनाई होगी। आप एक बार ऐसे बनाकर जरूर देखिए। और इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर ले और हमारी पूरी वीडियो देखना, और वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर करना ना भूलें। अब जानते हैं शाही मशरूम और पनीर की सब्जी कैसे बनाते हैं और इसके लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। ये देखिए, 200 ग्राम मशरूम जो हमने धोकर काट कर रखे है, ये देखिए, जैसे मशरूम होता है इसका, ये हमने काट कर रखे है, ये वाला हिस्सा नहीं डालना, इसको अलग कर देते ऐसे, सिर्फ ये वाला हिस्सा डालना है। अगर हम ये वाला हिस्सा डालते हैं तो सब्जी का स्वाद खराब हो जाता है, इसलिए ये मत डालना। और ये देखिए, 200 ग्राम पनीर, ये भी हमने काट के रखा हुआ, उसमें खड़े मसालों का इस्तेमाल होता है। ये देखिए, 2 मोटी इलायची, 4 हरी इलायची, ये दालचीनी का टुकड़ा, 4 लौंग, ये तेजपत्ता, और ये 4-5 काली मिर्च, और ये हरा धनिया, और ये मोटे मोटे अदरक के टुकड़े जो हमने छील कर काट कर रखे हैं, और 7-8 कलियां लहसुन की जो हमने छील कर रखी हुई है, और ये 7-8 बादाम साबुत, 2 बड़ी प्याज जो हमने छील कर मोटे मोटे टुकड़ों में काट कर रखी हुई है, 2 बड़े टमाटर ये भी हमने मोटे मोटे काट कर रखे हुए हैं, और ये देसी घी, और ये खोया। अगर खोया घर पर नहीं है तो आप मलाई या फिर क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये साबुत जीरा, ये हल्दी पाउडर, और ये देगी मिर्च, और ये नमक। और अब हम एक पैन लेते हैं, उसमें इसको गैस पर रखते हैं, गैस ऑन करते हैं। अब हम 7-8 आदमियों की सब्जी बनाने जा रहे हैं। अब इसमें हम 1 चम्मच देसी घी डालते हैं। अब इसके बाद ये देखिए, जो हमने मोटे मोटे प्याज काट के रखे हैं, ये डालते हैं। इसके बाद मोटे मोटे टमाटर काट के रखे हैं, अदरक और लहसुन इसको भी इसमें डाल देते हैं। इसके बाद ये तेज पत्ता और ये बादाम, ये सारे डाल देते हैं, खड़े मसाले डालने, जैसे मोटी इलायची, हरी इलायची, ये सारा मसाला इसमें डाल देते हैं, खड़े मसाले डालने। और इसमें हम 1 गिलास पानी डालते हैं, उसको अच्छी तरह से उबालते हैं। अब इसको थोड़ा ढक देते हैं, और इसमें हम 1/2 चम्मच जीरा डालते हैं, साबुत जीरा, और इसको अच्छे से पकाते हैं। और ये देखिए, हमारे मसाले एकदम अच्छे से पक चुके हैं। अब गैस बंद कर देते हैं, और इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देते हैं, और इसको एकदम ठंडा होने देते हैं, और इसको बिल्कुल ठंडा होने देते हैं। उसके बाद इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। और ये देखिए, हमारे मसाले एकदम ठंडे हो चुके हैं। अब इसके बाद ये देखिए, ये जो हमने खड़े मसाले डाले, इनको हम बाहर निकाल लेते हैं सारे ऐसे। और ये जो प्याज और टमाटर जो हमने उबाल कर रखे हैं, इनका एक अलग ही स्वाद होता है, बहुत ही अच्छा स्वाद होता है। और ये देखिए, सारे मसाले ऐसे निकाल लेने, एक एक करके सारे निकाल लेते हैं। और ये देखिए, खड़े मसाले हमने सारे बाहर निकाल कर रखे हैं, इनका दोबारा इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि उबालने के बाद इनके सारा स्वाद, जो भी इनकी खुशबू, सारा इसके अंदर आ चुका है। अब इनको अलग रख लेते हैं, और एक जार लेते हैं मिक्सी का, उसमें इसको डालते हैं, एक ग्रेवी तैयार करते हैं एक अच्छी से। देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, ऐसे इसको उसमें डालते हैं। और ये देखिए, हमारी ग्रेवी बिल्कुल तैयार है, ये देखिए एकदम बारीक हो चुकी है।
और ये जो इसका बचा हुआ पानी है इसको फेंकना नहीं है, ये भी इसी में इस्तेमाल करते हैं। अब पहले गैस ऑन करते हैं और गैस पर कढ़ाई रखते हैं। कढ़ाई गर्म होने के बाद इसमें हम एक बड़ा चम्मच घी डालते हैं, उसको गर्म होने देते हैं। और देखिए हमारा घी गर्म होने के बाद इसमें हम एक चम्मच हल्दी पाउडर डालते हैं और आधा चम्मच देगी मिर्च, अच्छे से चलाते हैं। इसमें मशरूम डालते हैं जो हमने बारीक काट कर रखी है, ये देखिए इनको अच्छी तरह से ऐसे फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए और देखना मशरूम और पनीर की सब्जी, शाही पनीर की सब्जी, शाही मशरूम कितने अच्छे बनते हैं। ऐसे इसको अच्छी तरह से पहले मशरूम भूनने, ऐसे इनको चलाते रहते हैं। ये देखिए अच्छी तरह से जब तक इनका कलर थोड़ा चेंज नहीं हो जाता ऐसे चलाते रहना है। अब देखिए दो तीन मिनट पकाने के बाद अब इसमें पनीर डालते हैं और इसको भी ऐसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। इसको भी दो मिनट तक ऐसे भूनना है और देखिए इसको ऐसे चलाते रहना है जब तक तेल अलग नहीं हो जाता तब तक। ये देखिए ये एकदम अलग हो चुका है। अब इसके बाद हम इसमें ये देखिए जो हमने ग्रेवी तैयार करके रखी है ये डालते हैं, इसको इसके अंदर डाल देते हैं, सारे डाल देते हैं, अच्छी तरह से ऐसे मिक्स कर देते हैं। देखना शाही मशरूम और पनीर की सब्जी कितनी जल्दी बन जाती है और कितनी स्वादिष्ट बनती है, तो बहुत ही अच्छी। आपने ऐसे शायद ही कभी ऐसे ट्राई की होगी, आप एक बार ट्राई जरूर करना। और अभी देखना ये जो पानी जिसमें हमने खड़े मसाले उबाल कर रखे हैं इसको ऐसे मिक्सी में डालते हैं, हमारा मसाला वेस्ट नहीं होना चाहिए, ऐसे ये बीच में डाल देते हैं। और इसके बाद इसमें हम एक चम्मच खोया डालते हैं। ये देखिए अगर आपके पास खोया नहीं है आप मलाई का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, हमने आपको पहले भी बताया। और इसको अच्छी तरह से ऐसे मिक्स कर देते हैं। अब इसके बाद इसमें हम नमक डालते हैं स्वाद अनुसार, देखिए स्वाद अनुसार नमक डालते और इसको ऐसे फिर से चलाते। अब इसमें हम आधा चम्मच चीनी डालते हैं, आप चाहे तो एक चम्मच भी डाल सकते हैं। अब इसको कम से कम भी 5 मिनट पकाते हैं। और ये देखिए हमारी शाही मशरूम और पनीर की सब्जी बिल्कुल तैयार है। अब गैस बंद कर देते हैं और इसको परोसते हैं। ये देखिए अब थोड़ा धनिया की पत्तियां डाल देते हैं और आप इसको चावल के साथ खाइए या फिर चपाती के साथ खाइए। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पर बने रहिए। जय माता दोस्तों।